इंडियन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम जानकारी के साथ। तो आपको बता दें कि एक बड़ा अपडेट है, विज्ञान के बाद अब महाकौशल में दिग्विजय सिंह का दौरा है। बता दें कि जबलपुर के दौरे पर रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। कार्यकर्ताओं में जान फूकने में जुटे हुए हैं दिग्विजय सिंह। बता दें कि जबलपुर में मंडल सेक्टर कार्यकर्ताओं की बैठक में होंगे शामिल। कार्यकर्ताओं से करेंगे चर्चा, देंगे जीत का मंत्र। लगातार हारने वाली 66 सीटों पर दौरा जारी है, क्योंकि बता दें कि आने वाले समय में चुनाव है। ऐसे में तैयारी पार्टी की लगातार चल रही है। दिग्विजय सिंह की तरफ से भी लगातार जो सीटें हारी गई थी उनका दौरा किया जा रहा है, वहां पर मजबूती प्रदान करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि जो कार्यकर्ता है वो भी दिग्विजय सिंह से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं में जान फूंकने में जुटे हुए हैं दिग्विजय सिंह। जबलपुर में मंडल सेक्टर के कार्यकर्ताओं की भी बैठक ली जाएगी। तो महाकौशल में दिग्विजय सिंह का दौरा देखने को मिलेगा। जबलपुर के दौरे पर रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। कार्यकर्ताओं में जान फूंकने में जुटे हुए हैं दिग्विजय सिंह आने वाले चुनावों को लेकर। बता रहे कि जबलपुर में मंडल सेक्टर कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक भी ली जाएगी। ताजा अपडेट है, कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, देंगे जीत का मंत्र। तो ये ताजा अपडेट है। आपको बता दें कि महाकौशल में दिग्विजय सिंह का दौरा है। संवाददाता राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से जबलपुर के दौरे पर आएंगे दिग्विजय सिंह, जानकारी ये भी मिल पा रही है जो हारी हुई सीटें हैं वहां पर दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो रही है? बिल्कुल, देखिए दो दिवसीय दौरे पर हैं और ऐसे में उन सीटों पर फोकस कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह उनका है, जहां पर कांग्रेस लंबे समय से जीत नहीं पा रही। पनागर की बात की जाए, सिहोरा की बात की जाए, तो मंडलों और बूथ सेक्टर्स के जो कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक ली जा रही है। कैंट जो है, कैंट लंबे समय से कांग्रेस नहीं जीती है। कैंट में, कैंट की भी जो मंडलम और बूथ सेक्टर्स के कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक ली जा रही है। दो दिन का ये दो दिवसीय उनका दौरा है और लगातार कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा जो फीडबैक है, किस तरीके से आगे काम करना है कार्यकर्ताओं को, ये मंत्र कहीं ना कहीं दे रहे हैं और लगातार दौरे पर हैं। आज दूसरा दिन है और आज भी जो पनागर है, पनागर विधानसभा, वहाँ के कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे। तो लगातार देखा जाए तो चुनाव के पहले जो जिस तरीके की तैयारी है, कांग्रेस लगातार उन सीटों को फोकस कर रही है जिन पर लंबे समय से उसे जीत नहीं मिली है और जो कहीं ना कहीं जिन पर जो है वो बड़े मार्जिन से बीजेपी जीतती हुई आई है। तो लगातार अब ऐसे ही सीटों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को बैठक ले रहे हैं, उनके साथ जो है रणनीति बना रहे हैं किस तरीके से काम आगे किया जाए, किस तरीके से इन सीटों पर जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जीत दर्ज करे। चलिए ठीक है राजेश, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे।